नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की ओर। यूपी के मौसम में होगा बड़ा बदलाव, झांसी रहेगा सबसे गर्म प्रदेश के कई जिलों में चलेगी तेज हवाएं। हार कर भी जीत गए अखिलेश यादव, फिरोजाबाद में निकाय चुनाव के आंकड़ों से गदगद सफाई, बढ़ गया वोट प्रतिशत। माफिया राज के खात्मे से योगी ने लगाया 2024 का मास्टर स्ट्रोक, बुलडोजर बाबा की लोकप्रियता का मिलेगा फायदा, सरकार ने माफिया अपराधी गठजोड़ को पस्त किया। पीएम मोदी के भतीजे बन रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख की ठगी, स्टॉक मार्केट में मुनाफा का दिया झांसा, पीएमओ ने कहा बेरोनिका पीएम की रिश्तेदार नहीं। आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के लिए आगे आया किन्नर समाज, समर सिंह को सख्त सजा देने की मांग। हमीरपुर में दारोगा पर फायर करने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुलिस टीम पर बदमाश ने की थी फायरिंग, चौकी इंचार्ज सुरेंद्र यादव को लगी थी गोली। हमीरपुर में चोरी की घटनाओं का पुलिस नहीं कर पाए खुलासा, बीते मार्च महीने में दो घरों से हुई थी लाखों की चोरी, पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। कानपुर में बारिश ने मौसम को किया खुशनुमा, सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश, तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, कई दबंगों ने युवक को खुलेआम बेल्ट से पीटा, राहगीरों ने बनाया मारपीट का वीडियो। लखनऊ में हाजू कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, आग का कहर लगातार जारी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। किशोर की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया, चोरी की शक में की गई हत्या, किशोर की हत्या कर शव आम के पेड़ से लटकाया गया। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सदर शाखा का शुभारंभ, नए भवन का शुभारंभ करेंगे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, सुबह होगा शुभारंभ। आईपीएल मैच में सट्टेबाजी कराने वाले गिरोह के तीन लोग गिरफ्तार, आईपीएल मैच में हार जीत की बाजी लगाने वाले तीन गिरफ्तार, आरोपियों को आशियाना से किया गया अरेस्ट। रोड पर निकाला गया कारों से जुलूस, चुनाव जीतने के बाद सपा प्रत्याशी ने निकाला सैकड़ों गाड़ियों के साथ जुलूस, रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल, चौक क्षेत्र के इमामबाड़े के पास का है पूरा वीडियो, खतरनाक स्टंटबाजी करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप, मजिस्ट्रेट ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा, भाजपा की नई प्रदेश टीम का हुआ गठन। गाजियाबाद के ब्यूटी पार्लर में चल रहा धर्मांतरण का खेल, ब्यूटी पार्लर संचालिका गिरफ्तार, पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में दबिश देने गई महिला पर पुलिस पर हमला, बदमाश ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। कुशीनगर से सबीना खातून ने दर्ज की जीत, जीत के बाद जनता को दिया धन्यवाद, बोले विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी।
मायावती की चेतावनी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, चुनाव फिर होगा, मायावती ने जाहिर किया संतोष। अलीगढ़ में NH91 पर कार बनी आग का गोला, कार में जिंदा जलकर हुई चालक की मौत, मां बेटी ने कूद कर बचाई जान। अलीगढ़ में निर्दलीय और भाजपा पार्षद में हुई मारपीट, पुलिस ने भाजपा के पूर्व पार्षद को किया गिरफ्तार। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, कलश यात्रा का भी किया शुभारंभ। भजन सम्राट अनूप जलोटा पहुंचे गाजीपुर, राम रमैया कार्यक्रम में होंगे शामिल, जिले के 12 चयनित कलाकारों के साथ करेंगे प्रस्तुति। गाजीपुर में निकाय चुनाव में विपक्ष ने लगाया धांधली का आरोप, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किया पलटवार, कहा नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुए हैं। सर्वाधिक विधायक वाले जिलों में बरकरार रहा सपा का दबदबा, कई सपाइयों ने निर्दल होकर चुनाव जीता। लखनऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, खुलेआम दबंगों ने की मारपीट। लखनऊ में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण का मामला, 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई। लखनऊ में सपा नेता दारा सिंह यादव ने दिया इस्तीफा, समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में दिया गया इस्तीफा। लखनऊ में भाजपा पूर्व महापौर ने सुषमा खरकवाल को दिया आशीर्वाद, सुषमा खरकवाल ने जन समस्याओं पर की चर्चा। लखनऊ में असलहा लेकर बुलेट पर खतरनाक स्टंट, अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल। रायबरेली में खेलो इंडिया का मशाल जुलूस, रायबरेली पहुंचे अधिकारियों और खिलाड़ियों ने किया स्वागत। दिव्यांग सफाईकर्मी की पुत्री का सीएम योगी ने कराया अन्नप्राशन, अपने हाथों से खिलाई खीर। संशय में मुस्लिम, फायदे में भाजपा, अधिकतर निकायों में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण जीत का आधार बना। अलीगढ़ में बच्चों के चाय बनाने का वीडियो हुआ वायरल, सरकारी विद्यालय से बच्चों का वीडियो हुआ था वायरल, वायरल वीडियो में बच्चे झाड़ू लगाते भी नजर आए। अलीगढ़ में किन्नरों के दो गुटों में हुआ विवाद, कार्यक्षेत्र को लेकर हुआ विवाद, किन्नरों ने किया हंगामा। अलीगढ़ में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जमकर मारपीट भी हुई, मजदूरी के रुपए मांगने पर दो पक्षों में विवाद। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनाम में बदमाश, मुठभेड़ में गिरफ्तार शातिर बदमाश चांद मोहम्मद, काफी दिनों से चल रहा था फरार। अंबेडकर नगर में हिजाब में दिख रही महिला का बेटे के साथ वीडियो हुआ वायरल, सीएम योगी आदित्यनाथ से महिला ने लगाई गुहार।
औरैया में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग, आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बुलंदशहर में कजरिया कंपनी में श्रमिक की मौत, कंपनी के गेट पर स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। फरीदाबाद में बाइक और स्कूटी में टक्कर होने पर मचा बवाल, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस, पुलिस के सामने भी हुई जमकर मारपीट। हमीरपुर में हिस्ट्री शीटर ने दारोगा को मारी गोली, गंभीर हालत में दारोगा जिला अस्पताल में भर्ती हिस्ट्री शीटर के घर दबिश देने गया था दारोगा। अलीगढ़ में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी की हार के बाद आरोपों का दौर, वरिष्ठ नेताओं पर हराने का लगा आरोप। बाराबंकी में चोरों में नहीं रहा पुलिस का खौफ, चोरी की घटनाओं पर पुलिस नहीं लगा पा रही लगाम। मंत्री संजय कुमार निषाद पहुंचे चंदौली, विभागीय योजनाओं का भी किया स्थलीय निरीक्षण। फरीदाबाद में परिवहन मंत्री ने क्षेत्रवासियों को दी करोड़ों की सौगात, मंत्री मूलचंद शर्मा ने विकास कार्यों की दी सौगात। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, दबंगों ने खुलेआम एक युवा को बेल्टों से पीटा। आईएससी और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया सामने, टॉपर्स को सीएमएस ने किया सम्मानित। लखनऊ में 12वीं टॉपर को मेडल के बदले मिली बेइज्जती, टॉपर के परिजनों ने सीएमएस के फाउंडर पर लगाया आरोप, वीडियो जारी कर सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। विनायक मॉल पीवीआर पहुंचे कई नेता, किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने देखी द केरला स्टोरी। परिवहन मंत्री ने वल्लभगढ़ का किया औचक निरीक्षण, विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए। बैंक मित्र के साथ हुई थी लूटपाट, लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, बदमाशों के पास से नकदी और कारतूस बरामद। हसनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस के हत्थे चढ़े 6 लुटेरे, लुटेरे मोबाइल चेन लूटने का करते थे काम, मोबाइल सहित लूट का सामान भी किया बरामद। कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा का उद्घाटन सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने किया। मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि प्रदेश में आज सभी शाखाएं फायदे में चल रही हैं। चाइनीज मांझा बनता जा रहा लोगों के लिए मुसीबत, चाइनीज मांझे के चपेट में आने से बच्ची हुई घायल, मां पिता के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी बच्ची, हुई चाइनीज मांझे का शिकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मायावती ने 18 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, निकाय चुनाव के परिणाम की समीक्षा करेंगी मायावती। छह लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, मोबाइल और चेन शहर में लूटने का करते थे काम, हसनगंज पुलिस ने 6 लुटेरों को दबोचा। मतदाता सूची बनाने की हो रही तैयारी, सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग अब एक मतदाता सूची बनाने की कर रहा तैयारी। प्रदेश भर के सारे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ का हड़ताल, नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर करेंगे प्रदर्शन।
एलएलबी कर रही अनुपमा 22 वर्ष की उम्र में बनी सभासद, पढ़ लिख कर समाज सेवा करना ही अनुपमा का एकमात्र लक्ष्य। नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद बोली महिलाएं, पढ़ी लिखी हूं मैं, सदन में उठाऊंगी जनता की समस्याएं। हत्या कर खेत में फेंका युवक का शव, इलाके में सनसनी, मौके से पुलिस ने बरामद की चीजें। गाजीपुर के अभिनव को 10वीं में मिले 99% अंक, 12वीं में संदीप बने जिला टॉपर। जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा, प्रयागराज में गेट पर ताला लगाया पुलिसकर्मी को दी गाली, कहा तुम कांस्टेबल हो भाग जाओ। हिंडन नदी में डूबकर दो किशोरों की मौत, तीसरे साथी की तलाश लगातार जारी, गाजियाबाद में 3 दिन में दूसरा बड़ा हादसा। राजा भैया के गढ़ में परिणाम ने चौंकाया, नव सृजित 7 नगर पंचायतों में भाजपा को करारा झटका। राजस्थान की किशोरी के पिता की सीपी से गुहार, कहा मेरी बेटी को ढूंढ निकालो सर, कैंट स्टेशन से हुई थी लापता। शुरू होने से पहले ही उजड़ गई दुनिया, शादी के 1 साल बाद विवाहिता की मौत, पिता बोला मालूम होता तो ना करता शादी। कॉलेजों में शुरू किया जाएगा गर्भ संस्कार पाठ्यक्रम, राज्यपाल ने दिया महिला सशक्तिकरण पर जोर। बारहवीं में लखनऊ के अरियान तारिक देश में शीर्ष पर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची बरेली, रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 7 परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। छात्रवृत्ति के आवेदन में देना होगा पिता का आधार कार्ड, निर्धारित सीमा से अधिक आय पर रद्द होगा वेतन। जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ बार पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।